चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमारे सबके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा है कि आखिर नीट यूजी की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अभी दो कारणों से नीट यूजी की काउंसलिंग लेट हो रही है, डिले हो रही है। उसका फर्स्ट रीजन ये है कि अभी एनएमसी के इंस्पेक्शन चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज को परमिशन मिल रही है, उसकी वजह से अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है कि जो 21 का बैच था, 22 में एडमिशन मिला था, उनकी क्लासें शुरू हुई थी, 14 फरवरी को क्लासें शुरू हुई थी, तो अभी उनकी यूनिवर्सिटी एग्जाम फरवरी में है और उनकी जो क्लासें हैं वो अभी 31 दिसंबर तक रनिंग में है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट ईयर बैच की एग्जाम फरवरी में है तो एक महीने पहले स्टूडेंट को एग्जाम प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया जाता है, तो ये क्लासे हैं वो दिसंबर में खाली हो जाएंगी। दूसरा रीजन ये भी है, क्योंकि ये दोनों रीजन हमने ये देखा है कि नीट पीजी की काउंसलिंग डिले होने के यही दोनों रीजन थे। अभी नीट पीजी की काफी दिनों पहले एग्जाम हो गई थी, लेकिन काउंसलिंग अभी 15 सितंबर से स्टार्ट हुई है और यही दोनों कारण यूजी की काउंसलिंग में डिले होने के कारण बन रहे हैं। तो हम इस बात को, इन सब को देखते हुए अभी मान रहे हैं कि ये इस महीने के लास्ट वीक तक इसका शेड्यूल आने की पॉसिबिलिटी है और ये अक्टूबर फर्स्ट वीक में काउंसलिंग स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है। आपने टाइम्स नाउ का भी आर्टिकल देखा होगा जिसमें ये कहा गया है कि 25 सितंबर से ये स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है। अभी इनकी मीटिंग हुई है एमसीसी की, उसमें ये फाइनल तो नहीं हुआ है, डेट तो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि ये इस महीने के लास्ट तक शेड्यूल आ सकता है और फर्स्ट वीक में, अक्टूबर फर्स्ट वीक में ये स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि तब तक क्लासें भी खाली हो जाएंगी और एक डेढ़ महीने तो मैनेज भी किया जा सकता है मेडिकल कॉलेजेस में। तो इस प्रकार से ये काउंसलिंग डिले होने का यही रीजन हो रहा है और यही दोनों रीजन हमने नीट पीजी की काउंसलिंग में देखे हैं। तो ये अभी जल्द ही स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है, इसमें ज्यादा डिले होने की कोई संभावना नहीं लग रही है। जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट मिलेगा कि ये कब तक स्टार्ट होगी, इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने ये बताया कि 2022 में आपको कैसे च्वाइस फिल करनी है, सीट मैट्रिक्स फीस स्ट्रक्चर सर्विस बॉन्ड के बारे में सारी जानकारी इसमें अवेलेबल है और ये जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट, आयुष, वेटनरी सभी के बारे में ये बुक अवेलेबल है, तो आपके लिए ये बुक काफी हेल्पफुल रहेगी। तो जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।